बताई। राहुल गांधी शुद्ध ब्राह्मण है, मैं कहता हूँ राहुल गांधी हिंदुस्तानी है, किसी धर्म का नहीं है, हिंदुस्तानी है। और राहुल गांधी के साथ में, राहुल गांधी भारत का बेटा है, राहुल गांधी को भारत स्वीकार कर चुका है, वो भारत का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। मैं और हाँ बोलिए, क्या सवाल है आप? राजस्थान के अंदर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता सब बौखलाए हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जनता के प्रति जो योजनाएं लागू की है, राजस्थान के अंदर यही सब कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, यही हम सभी कार्यकर्ता। आप मुझे ये बताओ कि राजस्थान में रोजगार को लेकर काम हुआ है? रोजगार है युवाओं के पास? युवाओं के लिए रोजगार में सबसे आगे गहलोत जी ने अच्छी योजनाएं निकाली है। युवाओं के लिए रोजगार में गहलोत जी ने अच्छी अच्छी योजनाएं निकाली है। सब युवाओं के रोजगार के लिए बीजेपी वालों ने खोखले वादे किए हैं। रोजगार मिला है आप लोग? हाँ, रोजगार मिला है। सबसे भर्ती राजस्थान में ही दी है, सबसे ज्यादा भर्ती अभी राजस्थान में ही चल रही है। पर भी वो लोग कहते हैं कि पेपर लीक से बहुत परेशान है यहाँ की। पेपर लीक हुई है, उसके लिए भी अब कानून बन गया है, उसके लिए भी कानून बन गया है। और पूरे भारत में राजस्थान से ज्यादा पेपर लीक पूरे भारत का मामला है, पूरे भारत का मामला है। इसके लिए संसद में कानून पारित करना। ये इनके झूठे वादे हैं। नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी, हम हर नागरिक के खाते में 15 लाख पैसा भेजने की जो घोषणा की थी, वो पूरे मुकर गए। इनकी योजनाएं ये भी नटते हैं तो जनता। चलिए अब मैं आती हूँ, मैं फिर से आऊंगी, आप लोग अपना सवाल तैयार रखिएगा। लेकिन ये जो 15 लाख वाला जुमला है, ये भूल नहीं रही है जनता। दिलीप जी, कैसे भुलाएंगे, लोग भूल ही नहीं पा रहे हैं जी। 15 लाख का जुमला भूल ही नहीं रहे। 15 लाख का मोदी जी ने अपना कहीं वक्तव्य नहीं दिया, इनका मनगढ़ंत है। अभी जैसे ये बोल रहे थे ना महिला अत्याचार में, तो मैं इनको याद दिला दूं, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े पूरे देश भर में महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पे है। यहाँ पर डे राजस्थान में 17 महिलाओं के साथ में बलात्कार होता है, 17 महिला। और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, यहाँ का स्थानीय विधायक जिसकी सेक्सिटी आई है, सोशल मीडिया पे चल रही है, ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? अरे ये मुंह दिखाने के लायक नहीं लेंगे। ये बाड़मेर की जनता में बाड़मेर विधायक के लिए वोट मांगने किस मुंह से मैडम जाएंगे? जब महिला है वो फोटो देखेगी, दरवाजे बंद करेगी दरवाजा। दिलीप माली जी, आप इसका जवाब दीजिए। महिलाओं के अत्याचार को लेकर बीजेपी पहले भी बहुत जोर शोर से ये बोल चुकी है कि आप लोगों ने महिलाओं का ख्याल नहीं रखा राजस्थान में। यहाँ भी कुछ लोग कह रहे हैं, मैं आपको भी एक मिनट में दे दूँ, आप इधर भी देख लो, महिला शक्ति यहाँ आई हुई है, वहाँ महिला शक्ति है ही नहीं। अगर कांग्रेस ने महिला शक्ति के साथ में अगर दुर्व्यवहार किया होता तो महिला शक्ति कितनी मीटिंग की। पर आप देख रहे हैं महिलाओं की संख्या कितनी है, आप जरा ये तो देखिए महिलाएं कितनी आई है। वो आपके जो चैनल की तरफ से मैसेज उनको नहीं पहुंचा है? नहीं, मैसेज पहुंचा, लेकिन कितनी आई? ये जो सोशल मीडिया पे जो मैसेज जिन्होंने देखा, वो महिला शक्ति आई है। यहाँ महिला शक्ति एक को जबरदस्ती बुलाया, बाकी महिला शक्ति नहीं है इनके पास। कांग्रेस, मैं बताऊँ आपको, मोदी जी ने जब सरकार में आए थे जब ये बोला था कि हम काला धन विदेशों से लेके आएंगे, 15-15 लाख रुपए भाइयों और बहनों तुम्हारे खाते में डालेंगे, वो 15 लाख तो कुछ नहीं, नोटबंदी करके जिसके पास में भी थोड़ा बहुत भी घर गुजर हुए तो पैसा था, वो भी उन्होंने बैंक से निकला के ले लिया। इस तरह की झूठी बातों में अब जनता आने वाली नहीं है। 2024 कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये आम जनता की आवाज है। लेकिन पेपर लीक का मामला ऐसा लग रहा है कि लुटिया डुबो ना दे कहीं, क्योंकि लोग बहुत नाराज है पेपर लीक मामले से। मैं बताऊं, पेपर लीक वसुंधरा जी की सरकार में भी हुआ था, पेपर लीकेज को वहाँ हुआ था, तो आप में भी जायज है, मतलब वहाँ हुआ तो आप लोगों में भी जायज। इतनी बड़ी व्यवस्थाएं होती है, आपका कैसा जवाब है कि वसुंधरा राजे सरकार में हुआ था तो हमारे में हुआ? मैडम, उसकी जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत मुख्यमंत्री जी ने और हमारे शिक्षा मंत्री जी ने तुरंत उस पे अमल किया, और जो भी उनके उसके लिए विधानसभा के अंदर नियम और एक्ट भी बनवाया कि इस तरह की घटना नहीं। मैं पूछ लेती हूँ यहाँ पर लोगों से, खुद ही पूछ लेती हूँ कि आखिर जिस इस कार्रवाई से आ रही हूँ पेपर लीक मामले को लेकर जो कार्रवाई हो रही है, आप लोग संतुष्ट है उससे? मैडम बहुत गलत है, पेपर लीक हो रहे हैं, इसमें युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युवा मेहनत करते हैं, गरीब परिवार से होते हैं और ये पेपर लीक कर देते हैं, इससे नुकसान होता है युवा भारत का भविष्य, और अब की बार बीजेपी सरकार बढ़ेगी। आप बताइए, पेपर लीक मामले में जो कार्रवाई हो रही है, संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पेपर लीक तो कांग्रेस सरकार के मंत्री करा रहे हैं, अब ईडी की कार्रवाई हो रही है कलाम आश्रम डोटासरा कौन है? कांग्रेस सरकार का शिक्षा मंत्री था, और कलाम आश्रम किसका है? डोटासरा के लड़के का है। और जितनी भी रीट की पेपर में जो भर्तियां हुई है और जो सिलेक्शन हुए, सबसे ज्यादा पढ़ने वाले कलाम आश्रम के लोग थे,
और उसका जवाब दे दे कांग्रेस पार्टी। ठीक है, कोई और? हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलिए आप बोल रहे थे, मैं पीछे चली गई। मैडम ये जब कांग्रेस सरकार आई थी, इनके मुखिया राहुल जी ने कहा था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेगी। आज तक उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया। युवाओं के साथ इन्होंने छल किया कि 3500 रुपए भत्ता देंगे। 3500 रुपए भत्ता क्या दिया उन युवाओं के साथ, इतना खिलवाड़ किया। जब भी वो एग्जाम देकर वापिस घर पहुंचते नहीं है, उससे पहले पेपर इनकी सरकार लीक कर लेती। भर सरकार है उसको उखाड़ फेंकेगी जनता का। ठीक है, जल्दी से मुझे ब्रेक लें फटाफट से। ऐसा है कि अभी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने घोषणा की कि गायों को गोबर भी हम खरीदेंगे। क्या 5 साल गायें नहीं थी? क्या गोबर नहीं, गायें नहीं देती थी? तुष्टीकरण की तो इन्होंने मतलब हद पार कर दी। जयपुर में जो एक व्यक्ति जिसका हत्या हुई उसको 50 लाख दिए और कन्या के मामले में 5 लाख ही दिए। तुष्टीकरण की तो कांग्रेस सरकार पराकाष्ठा में। ठीक है, तो तुष्टीकरण का आरोप भी कांग्रेस पर लग रहा है, इसको लेकर हम सवाल पूछेंगे दिलीप जी से भी। और यहाँ से कुछ सवाल भी आ रहे हैं, महिलाएं भी कुछ आई हुई आ रही हूँ आप लोगों के पास। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।